तो अभी हम सीखते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो इसी फाइल को मैंने सेव कर लिया, और सेव करके हमने यहाँ पे क्लास 33 के नाम से सेव कर दिया, 34 के नाम से द फॉर नेस्टेड लूप। ठीक है, फॉर नेस्टेड लूप को हमने सेव कर दिया। यहाँ पर मैं इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करूंगा, यही फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ कोड को। अब यहाँ आते हैं। अब नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड जब भी यूज होगा, इफ नेस्टेड, फॉर नेस्टेड, व्हाइल नेस्टेड, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप चला रहे हैं आप। अब उसका सेंटेक्स क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है? तो उसको ऐसे लिखा जाता है, सॉरी, फॉर इसका एक्सप्रेशन ब्रैकेट, और उसके अंदर एक और फॉर उसका एक्सप्रेशन ब्रैकेट, और उसका बॉडी ब्रैकेट। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। तो ये कहलाएगा मैन फॉर, और ये कहलाएगा नेस्टेड फॉर, जो उसके इनसाइड हो गया। अब फॉर लूप में क्या हो रहा है, नेस्टेड फॉर में अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग टेक्निक चेंज हो जाएगी। अब ये लूप चलेगा एक बार, और ये लूप चलेगा उतनी बार जो इसकी कंडीशन होगी। एक मिसाल समझा रहा हूँ, उसको समझें फिर उसको हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये लूप चलाया है 5 बार, 1 to 5, और ये लूप चलाया है 3 बार, तो ये इसके 1 टाइम में 3 बार परफॉर्म होगा। 1 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम। तो इस तरह ये लूप 5 बार चलेगा, और ये 3 × 5 = 15 बार चलेगा, और ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, यानी कि हर दफा शुरू से शुरू होगा फिर एंड तक जाएगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को कहाँ पे यूज करते हैं? ये रोज एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक लूप आप चला रहे हैं इस तरह से तो वो रोज में चल रहा है, एक लूप चला रहे हैं आप इस तरह से तो वो कॉलम में चल रहा है। अब आपको ऐसे और ऐसे दोनों तरह से चलाना है। तो इस तरह के लूप के लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, नेस्टेड लूप, कि डेटा को रोज एंड कॉलम दोनों में रीड करवाना है, राइट करवाना है, या डेटा को डिलीट करवाना है, उसके लिए ये नेस्टेड तरीका सही है। अब इसको कैसे एक्सप्रेशन करेंगे? अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर को, नहीं इंटीजर, इसके लिए मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, एक रो के नाम से इनिशियल वैल्यू 1 रख देता हूँ, एक ले लेता हूँ कॉल के नाम से, और इसकी वैल्यू भी कॉल रख लेता हूँ, 1 रख लेता हूँ। ठीक है, रो इज इक्वल टू 1 और कॉल इज इक्वल टू 1 कर दिया। तो इसको हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे कोड को? ठीक है, तो यहाँ पे रो और कॉल की वैल्यू को हमने 1 कर दिया। तो यहाँ पे कोड को हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे रो इक्वल टू 1 समझाने के लिए, ठीक है, और लो रो लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया, इक्वल टू भी लगा देता हूँ, 5 कर दिया, और रो प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फॉर के लूप में कॉल की वैल्यू को लिखना है आपने, अरे कहाँ चला गया, कॉल इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है, और कॉल की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 3 कर दिया। मैंने वही कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूँ, कॉल प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, सही है, समझ में आ गई बार ये? तो ये हमारा लूप का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं आपको आउटपुट दे रहा हूँ, यहाँ पे कॉल की वैल्यू, सी आउट लेस देन कॉल, ठीक है, लेस देन और एंड लाइन दे रहा हूँ। ठीक है, अब एंड लाइन में यहाँ नहीं दे रहा, एंड लाइन में दे रहा हूँ मैन फोर के अंदर, यहाँ पे सी आउट लेस देन, और यहाँ पे दे रहा हूँ मैं एंड लाइन। ठीक है, तो अब आउटपुट क्या आएगा, देखें, 1 2 3 होगा, न्यू लाइन आएगी, 1 2 3 होगा, न्यू लाइन आएगी, 1 2 3 होगा, न्यू लाइन आएगी। देखिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट समझाया कि 1 2 3 फिर न्यू लाइन, 1 2 3 न्यू लाइन। जरूरी नहीं है कि हर दफा लूप में कोई आउटपुट लिया जाए, बाज़ुकात लूप को एम्प्टी भी छोड़ा जाता है किसी दूसरे प्रोसेस को पूरा करने के लिए। अच्छा, अब आपको इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, 1 2 3 पहले 1 आए, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 4, 1 2 3 5, इस तरह से आए। तो अब क्या करेंगे इसी स्ट्रक्चर के अंदर, देखें उसमें क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट में आप चाहिए 1, इसका मतलब ये वाला लूप चले 1 टाइम, फिर दूसरे में चाहिए 2, तो ये लूप चले 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम। लेकिन सेंटेक्स क्या कहता है, ये तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 होगा और आखिर तक जाएगा, तो 5 तक कैसे लेके जाएं? तो फिर देखिए हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन को लेस देन इक्वल टू कर देंगे रो। तो फर्स्ट टाइम में लूप चलेगा, रो के कॉलम की वैल्यू भी 1, रो की वैल्यू 1, तो 1 टाइम चलेगा। सेकंड टाइम चलेगा स्टार्ट फ्रॉम 1, तो रो की वैल्यू 2, तो रो 2 बार चलेगा 1 2। तीसरी दफा में क्या होगा, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम में लूप एंड हो जाएगा। तो ये देखिए, ठीक है, इसी टेक्निक को रिवर्स भी कर सकते हैं, 5 4 3 3 2 1 1। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कैसे करना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर देंगे, अब आपको चाहिए कि भाई ये 5 से रिवर्स होगा, 5 से रिवर्स होगा, तो भाई कैसे होगा, इसको यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, इसको इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 करनी पड़ेगी, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू पे 1 पे लाना पड़ेगा,
और इसको यहाँ पे वन करना पड़ेगा और यहाँ पे रो माइनस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कॉल की वैल्यू क्या है, वन है। अब वन तो नहीं होगी क्योंकि भाई अगर ये वन हुई तो फर्स्ट टाइम में कहाँ तक जाएगा, ये पांच दफा, तो ये ऑटोमेटिकली सही इस तरह से चल जाएगा। अब रन करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ये हो गया इसका रिवर्स हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर आप इसी में एक टेक्निक यूज कर लें, 5 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2 5 4 3 5 4 5, इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज कर लें। अब वन को हटा दें, अब यहाँ पे स्टार लगा दें, तो ये एक इस तरह का पैटर्न बना देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इन चीजों को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये है आपका नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में आप काफी सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, इस नेस्टेड लूप की मदद से आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें प्राइम नंबर्स जो होते हैं 2 से डिवाइड होने वाले, वो भी बना सकते हैं प्रोग्राम, प्राइम नंबर का प्रोग्राम। उसमें फिर आपको यूज करनी पड़ेगी इफ की कंडीशन, कि जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो है और जो नहीं होता उसको स्किप कराना पड़ेगा। तो ये चीजें भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। बहरहाल फॉर नेस्टेड का जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात।